बुरा जो देखन मैं चला। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी बुराइयां देखने लगोगे बस तुम निखरने लगोगे। और अगर ये कमियां आपके अंदर हैं, अरे भाई साहब भूल जाइए महत्वाकांक्षा, ये खा जाएंगी आपको। अरे तुम्हारी बढ़िया तैयारी है, तुम्हारा एक साल में हो जाएगा। नहीं है तो सर तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी हैं, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं आपने पाल रखी हैं, बहुत अच्छा। कबीर का एक दोहा है अरबों रुपए का, उसी कोई कीमत नहीं है। मैं इसलिए रुपया बोल देता हूं कि थोड़ा सा फील होगा आपको कि अच्छा बड़ा महंगा है। हाँ जी बहुत महंगा। उस दोहे को हर महत्वाकांक्षी आदमी को एक कागज में लिख के अपनी जेब में रखना चाहिए। अरबों रुपए का दोहा है साहब, कबीर का दोहा है अरबों रुपए का है, खरबों का, अरब भी कम है, खरबों का है। कौन सा? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजू अपना मुझसे बुरा ना कोई। आम आदमी दूसरे में बुराई खोजता है, यही उसकी संतुष्टि है, यही उसका मजा है। इस दुनिया में किसमें सिर्फ अच्छाइयां हैं? 0.1% लोग होंगे, वो भी वो जो एनलाइटेंड होंगे, जो चेतना पे पहुंच गए होंगे, जो अपने चैतन्य पे पहुंच गए होंगे, वही बुराइयों से मुक्त हैं, बाकी कोई मुक्त नहीं है। मिलाओ हमें एक आदमी लेकर आओ। जो भी महत्वाकांक्षी है उसको कबीर का यह दोहा लिखकर, बाकायदा लिखकर अपने जेब में रखना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी बुराइयां देखने लगोगे बस तुम निखरने लगोगे। अपनी बदबू और अपनी बुराई खुद को कभी पता नहीं चलती। ट्रेन में बैठे हैं, आए ट्रेन में बर्थ पर बैठे, शूज निकाला, मोजा निकाला, जैसे ही शूज निकाला सामने वाला बेहोश हो गया। भाई साहब चौड़स बैठे हुए हैं, उनको कुछ हो ही नहीं रहा, सामने वाला बेहोश हो गया। अपनी बदबू और अपनी कमी खुद को दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए गुरु और जरूरी है, वो व्यक्ति जो आपको डिमोरलाइज ना करे, आपको आपकी कमी बता दे। और अगर ये कमियां आपके अंदर हैं, अरे भाई साहब भूल जाइए महत्वाकांक्षा, ये खा जाएंगी आपको। बहुत लड़के आए दिल्ली में तैयारी करने आईएएस की, पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं, सर हमें एक अटेम्प्ट में करना है। हाँ कर लो भैया, हम रोके हैं भैया, कर लो भैया, तुम 2 महीने में कर लो, यूपीएससी को एक लेटर लिख दो कि सर हमारी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है और इसी साल दिसंबर में है सर, तो हमारी दिसंबर तक प्री मेंस इंटरव्यू लेकर हमको निपटा दो सर, अगर हमको देख लो सर। सर आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। अरे तुम्हारी बढ़िया तैयारी है, तुम्हारा एक साल में हो जाएगा। नहीं है तो सर तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब लैटिट्यूड अगर तुम नहीं जानते हो ज्योग्राफी में, तो किसी कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट कैसे समझोगे यार? क्लाइमेट लैटिट्यूड से डिसाइड होता है। अफ्रीका को देखो, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में है, पूरे साल सूर्य की रोशनी मिलती है,